أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. This is Ghazala Amin with MSPM Project Management Class. It's PRM 702, Project Quality and Risk Management. We continue to talk about the Project Quality module so that we can cover this module, and then more half of the course and the lectures will be dedicated to the Project Risk Management. So in continuation, we talked about the quality assurance and the quality control in lecture number 9. And now, lecture number 10, we will focus on the quality control tools, which I have talked about in the last time. The quality control tools are much more. You will help with exposure to statistical inference class. Hopefully, you will have the concepts honge, you have understood. So, it will be a useful आपका बेस बन जाएगा. क्वालिटी कंट्रोल जो टूल्स हैं, ज़्यादातर मेजरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, मगर इट कहीं और भी यूज़ होते हैं. हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की भी बात करेंगे. सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी हैव फॉर यू नाउ विथ लेक्चर नंबर 10. लेट्स मूव ऑन द 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स. और बहुत से होंगे, मगर हम लोग फोकस करते हैं इन 7 टूल्स पे, और उनको हमने ब्रेक किया है आइडेंटिफिकेशन में, एनालिसिस में, और कुछ उनके दोनों की बाउंड्रीज में के बीच में पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन स्लैश एनालिसिस. अंडर आइडेंटिफिकेशन जो 2 टूल्स जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो डेटा टेबल्स हो जाते हैं और दूसरा जो है वो पारेटो एनालिसिस है. अंडर द एनालिसिस एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वी टॉक अबाउट द हिस्टोग्राम्स, we talk about the scatter diagrams and the control charts. जो बीच में, जो दोनों की boundaries के बीच में use हो रहे हैं और बहुत use होते हैं, वो एक तो सबसे ज़्यादा जो use होता है वो है cause and effect analysis. Ishikawa diagram कहते हैं, fishbone diagram कहते हैं, और ये सिर्फ project management में या quality control में नहीं, मैंने management aspects में भी देखा है, management techniques भी इसमें use किए जाते हैं. तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से ये जो फिश बोन डायग्राम है वो यूज हो रहा है. एक जगह शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ देखा है, वरना मैं आपको बुक को भी रेफर कर देती, मगर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास में मैंने देखा कि वो इंस्ट्रक्टर जो था वो फिश बोन डायग्राम पढ़ा रहा था. तो इस बहुत वाइड एरिया में ये यूज हो रहा होता है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, और बहुत आसान तरीका है, और इसके जो असरात हैं and they are very, very useful. Another one that we'll talk about will be the trend analysis. So under identification, analysis, and something in between, we'll talk about 7 QC tools, data tables, the Pareto analysis, the histograms, the scatter diagram, the control chart, and then in between will be the cause and effect analysis and the trend analysis. Yaad rakhein, cause and effect analysis pe you should pay more attention, because एक तो आपके assignment का piece है और plus इसके जो use हैं, it's widely used in different aspects. Tools of total quality management, the tools that are used for generating ideas, जिसको हमने पीछे slide पे identification में उसमें डाला था, check sheet या data table, scatter diagram और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. फिर जो दूसरा ग्रुप है उसको हम कह रहे हैं कि टूल्स टू ऑर्गेनाइज दिस डेटा. हाउ डू वी टेक इन द इंफॉर्मेशन एंड देन ऑर्गेनाइज इट सो इट कैन बी यूज्ड टू कम अप विद अ रिजल्ट. उसमें 2 टूल्स को हम फोकस कर रहे हैं, पारेटो चार्ट्स एंड द प्रोसेस चार्ट्स. प्रोसेस चार्ट बहुत सिंपल, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी मगर दोबारा करती हूँ. फ्लो चार्ट्स मोस्ट कॉमनली, और आई थिंक हिस्टोरिकली 20 साल से हम लोग फ्लो डायग्राम्स यूज कर रहे हैं. फॉर पीपल हु हैव हैड एक्सपोजर इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, ये तो हम लोगों का मेन ब्रेड एंड बटर होता है, बिकॉज सिंपल के येस नो कंडीशनल डायग्राम, जब हम लोग वो स्टेंसिल्स को यूज करते थे तो उसमें भी सिंपल होता था. अब तो खैर सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया है, एंड वी कैन ईजिली यूज ऑल दिस to come up with a very, very simple way to say this is what needs to be done. Agar ye hota hai, to go to the next step.
अगर ये नहीं प्रोसेस फुलफिल करता है देन गो टू सम अदर प्लेस, कंडीशनल डायग्राम, यस नो, वो जो डायमंड शेप होता था, सो एंड सो फोर्थ. सो फ्लो डायग्राम इज आई स्टिल कंसिडर दैट वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ प्रोसेस, चाहे वो मैनेजमेंट डिसिप्लिन में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में हो या फाइनेंस डिसिप्लिन में हो, जिधर भी यूज हो रहा हो, टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोसेस. दिस इज वॉट आई नीड टू डू, दिस इज वॉट नीड्स टू बी डन. अगर यहां हम लोगों को इश्यूज होते हैं तो दिस इज वेयर आई नीड टू गो. ऑल दैट कैन बी समड अप ब्यूटिफुली इन अ फ्लो चार्ट फॉर्मैट. देन टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, हिस्टोग्राम एंड स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट. ये तो जेनेरिकली इनको हमने काइंड ऑफ प्लेस कर दिया है अलग अलग जगहों में, मगर ऑब्वियसली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ड ऑन योर ओन नीड यू कैन एक्चुअली यूज एंड यूटिलाइज दीज टूल्स एज नीडेड. सबसे जो पहला है वो डेटा टेबल, सबसे आसान चेकलिस्ट. कई दफा एक सिंपल पेपर एंड पेंसिल लेके लोग एक चेकलिस्ट बना रहे होते हैं, कई दफा इट इज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट या कभी एक्सेल डायग्राम होता है या जो भी बड़ा, मगर सिंपल सा एक मेथड है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन आर द डिफेक्ट्स, जो भी डिफेक्ट्स हैं यू लिस्ट देम ऑल आउट. उसके बाद देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस. फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस हमने चार प्रोसेसेस को लिस्ट किया है, प्रोसेस ए, बी, सी एंड प्रोसेस डी. फिर जो लास्ट कॉलम है वो है टोटल की कॉलम. अब चार डिफेक्ट जिसको हमने आइडेंटिफाई किए हैं, याद रखें ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, ठीक है. सो इनकरेक्ट इनवॉइस, इनकरेक्ट इन्वेंटोरी, डैमेज्ड मटेरियल और इनकरेक्ट टेस्ट डॉक्यूमेंट, ये सारे वो डिफेक्ट्स हैं जो हमने लिस्ट किए. अब हम जाते हैं और हर प्रोसेस में, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी एंड प्रोसेस डी में जाके देखते हैं कि इनकी वजह से हमको कितने इश्यूज या डिफेक्ट्स आए हैं. अगर हम प्रोसेस ए में देखते हैं पहली कैटेगरी में, तो बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट इनवॉइसिंग प्रोसेस ए में चार इश्यूज थे, प्रोसेस बी में एक, प्रोसेस सी में कोई इश्यू नहीं था इनवॉइसिंग की वजह से, प्रोसेस डी में दो आए. टोटल नंबर ऑफ इश्यूज बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट इनवॉइस इज 7. इनकरेक्ट इन्वेंटोरी एक में 5, प्रोसेस बी में 2, प्रोसेस सी में 1, प्रोसेस डी में 1. टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इन्वेंटोरी. याद रखें कि जो हमने बात की थी जस्ट इन टाइम इन्वेंटोरी, व्हाई डिड ऑल ऑफ अ सडन जापान स्टार्टेड गेटिंग बेटर, बिकॉज उन्होंने इन्वेंटोरी को अपने कंट्रोल कर लिया था. सो इनकरेक्ट इन्वेंटोरी में टोटल जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमारे पास हैं वो 9 है. डैमेज मटेरियल, इट कुड बी बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट इन्वेंटोरी, या ये कि कॉन्ट्रैक्टर जो हमको सप्लाई कर रहा है वो सही मटेरियल नहीं दे रहा, या जो भी रीजन है, मगर डैमेज मटेरियल की वजह से प्रोसेस ए में 3 आए, प्रोसेस बी में कोई डिफेक्ट नहीं था, सी में 2 और डी में 3, और डैमेज मटेरियल की वजह से टोटल नंबर ऑफ इश्यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग लाइन वॉज 8. इनकरेक्ट टेस्ट डॉक्यूमेंट, अब प्रोसेस ए में सपोजिडली सिर्फ 1 है, बी में 3 है, सी में 4 है और डी में 2 है. टोटल नंबर ऑफ इश्यूज और डिफेक्ट्स बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट टेस्ट डॉक्यूमेंट आर 10. अब अगर हम उस पर गौर करें, अब इसमें दो चार चीजें हमारे सामने साफ साफ नजर आ रही हैं. एक तो कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से हमको सबसे ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, और अगर देखा जाए तो इनकरेक्ट टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से. हु इज डूइंग इट, इट कुड बी द क्वालिटी कंट्रोल गाइज और इट्स द क्वालिटी सर्कल या जो भी क्वालिटी मैनेजर जिसको जो भी कर रहा है टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, अगर वो अपने टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन को करेक्ट कर ले, हो सकता है इनकरेक्ट डेटा की वजह से या एक्सपर्टीज या स्किल की वजह से, तो सबसे ज्यादा जो इश्यूज हमको नजर आ रहे हैं वो इनकरेक्ट टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ स्किल लेवल इश्यू.
वो दैट कैन बी करेक्टेड, और जैसे ही हम इसको करेक्ट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो हमारे पास है 34, इट विल गेट रिड्यूस टू 24, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफेक्ट्स दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय करेक्टिंग वन प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम देखें तो प्रोसेस ए में हमको सबसे ज्यादा डिफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। अब सोचा जाए तो प्रोसेस ए सपोजिटली अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्होंने प्रोसेसेस को वो किया है, तो प्रोसेस ए में इज द फर्स्ट प्रोसेस, पहला प्रोसेस होने की वजह से इनकरेक्ट इनवॉइसिंग के भी इश्यूज हैं वहां, इन्वेंटोरी की भी इश्यूज हैं और डैमेज मटेरियल के भी इश्यूज हैं। अगर हम प्रोसेस ए को फोकस करें और वी ट्राई टू मिनिमाइज द इश्यूज, देन जीरो डिफेक्ट तो खैर बहुत मुश्किल है, थैंक्स टू डॉक्टर क्रॉसबी ही अज्यूम्स कि हम लोग जीरो डिफेक्ट तक पहुंच सकते हैं, मगर इतना आसान नहीं है। मगर अगर उसको प्रोसेस ए को हम लोग स्ट्रीमलाइन कर लें तो जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट 34 थे वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से देखें तो एट प्रोसेस डी में 8 इश्यूज हैं, उनको हम इश्यू कर सकते हैं, मगर बहुत सिंप्लीफाइड वे ऑफ आइडेंटिफाइंग, और एक नजर में आपको पता चल जाता है कि विच इज द प्रोसेस दैट इज कॉजिंग द मोस्ट इश्यूज। बहुत सिंपल एक तरीका है, और डेटा टेबल ये भी, जैसे फ्लो चार्टिंग को मैं कह रही थी बहुत वाइडली यूज्ड है, डेटा टेबल भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इस वक्त मार्केट में, बिकॉज बहुत सिंप्लीफाइड है, डजंट यूज अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, डजंट यूज अ लॉट ऑफ स्किल, बड़े आराम से हम इसको डिसाइफर कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम डालते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में, दिस इज कॉल्ड द फिश बोन चार्ट। और फिश बोन चार्ट क्यों कहते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बड़ा आसान तरीका है, इट लुक्स लाइक अ लिटिल फिश स्केलेटन। इसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, जापानीज का शुरू करदा टेक्निक है। जापानीज आर रियली हाई ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट, सो एक तरह से हम लोग वी लुक अप टू देम। और जो फिश बोन डायग्राम इन्होंने हमको दिया है या पूरी दुनिया को दी, ये बड़ा एक आसान तरीका है, कॉजेज टू विच आर द कॉजेज दैट इज कॉजिंग वन इफेक्ट। कोई भी इफेक्ट या कोई भी इश्यू है उसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। अब उसमें हमने करना क्या है, जो कॉजेज हैं उनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देना है। What do? You identify major and minor causes for the defect and you classify in related groups. By that you visualize the group with the most causes. Jo group hai that is causing the most causes need to be fixed taake wo jo issue hai ya defect hai ya effect hai us wo resolve ho jaye. अब आइडेंटिफाइंग मेजर एंड माइनर कॉजेस फॉर द डिफेक्ट एंड क्लासिफाइंग दैट इन रिलेटेड ग्रुप। जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है उसमें जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसको हमने किन ग्रुप्स में डाला है, टाइम, मशीन, मेथड ऑफ यू नो टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर बीइंग यूज्ड, मटेरियल, इट कुड बी द इनकमिंग मटेरियल, द रॉ मटेरियल। अच्छा, उसके बाद और भी कैटेगराइजेशन है, एनर्जी, मेजरमेंट, पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज दैट आर एक्चुअली कॉजिंग और कुड बी द कॉज ऑफ अ मेजर डिफेक्ट। लो स्किल्ड हो सकते हैं, हाई स्किल्ड हो सकते हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, जो भी रीजन है, मगर पीपल कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ क्रिएटिंग एन इफेक्ट। फिर एनवायरमेंट है, विजुलाइज द ग्रुप विद द मोस्ट कॉज। जब हम हर कैटेगरी में लिस्ट करेंगे डिफरेंट रीजन्स तो बहुत आसान हो जाएगा आप सबके लिए या हमारे लिए या जो भी इस डायग्राम को यूज करें टू विजुलाइज कि कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा कॉजेज बना रहा है फॉर ए पर्टिकुलर डिफेक्ट। सो कॉजेज एक तरफ हो गए, इफेक्ट एक तरफ हो गया। रिमेंबर फॉर वन इफेक्ट देयर वुड बी मेनी कॉजेज, मल्टीपल कॉजेज फॉर वन इफेक्ट, और जो भी मेजर इफेक्ट है उसको हम उसके लिए हम मल्टीपल कॉजेज को कैटेगराइज करके उसके नीचे लिस्टिंग करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, द फिश बोन डायग्राम और द फिश बोन चार्ट,
इशिकावा डायग्राम या जिस नाम से भी बोलें, जो भी नाम से बोलें, रोज स्टिल स्मेल द सेम. आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूल फॉर ऑल ऑफ यू. आपके असाइनमेंट में भी है ये. सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू पे अ लिटिल बिट मोर अटेंशन हियर, ताकि आपके लिए असाइनमेंट करना आसान हो जाए. अच्छा, आप सैम्पल फिश बोन और इशिकावा डायग्राम को देखते हैं. अब हमारा सेम चीज है. यू विल सी द कॉजेज, मल्टीपल कॉजेज कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज, और इट्स कॉजिंग वन इफेक्ट और वन डिफेक्ट और वन इश्यू. एंड द इश्यू और द प्रॉब्लम इज यूजर्स कैन नॉट गेट इन टू द सिस्टम. सिंपल सा आईटी का एग्जाम्पल है. आप अपना डेल का डेस्कटॉप यूज करते हैं या डेल का लैपटॉप लेते हैं, खोलते हैं, और नाउ यू आर पुटिंग इन द पासवर्ड. ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज दैट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू ट्राई पुटिंग इन द पासवर्ड, यू कैन नॉट लॉग इन टू द सिस्टम. अब इसके क्या इश्यूज हो सकते हैं? एक तो जो कैटेगराइजेशन है वो ट्रेनिंग है. हो सकता है कि मैं जब अपना पासवर्ड डाल रही हूं, आई एम नॉट ट्रेन्ड टू पुट इट इन द राइट फॉर्मेट. एक सिस्टम हार्डवेयर हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन द सिस्टम हार्डवेयर फेलियर हो गया है, इट्स नॉट वर्किंग. यूजर का भी हार्डवेयर इश्यू हो सकता है, द प्रोसेसर कुड बी टू स्लो, यू नो, जो भी है, और सॉफ्टवेयर इश्यूज भी हो सकते हैं. अब अगर हम दो पे फोकस करें, यूजर ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, दैट इज वन ऑफ द कैटेगराइजेशंस और कैटेगरीज. यूजर डिड नॉट रीसेट पासवर्ड. हो सकता है पिछली दफा उसने तीन दफा इनकरेक्ट लॉगिन कर लिया हो, नाउ इट्स लॉक्ड. सो यूजर डिड नॉट रीसेट द पासवर्ड. या एक कई दफा हमारे जब काम पे होता था कि 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली एक दो दफा आपको मैसेज आता था कि 90 डेज हैव पास्ड एंड यू नीड टू रीसेट योर पासवर्ड. हो सकता है हमने इग्नोर कर दिया, फिर हम छुट्टी पे चले गए. अब जब हम वापस आए हैं एंड व्हेन वी ट्राई द सेम पासवर्ड, वेल व्हाट, इट हैज बीन डिसेबल्ड. वेल दैट वाज बिकॉज द यूजर डिडंट गेट ट्रेन्ड कि ही और शी हैड टू रीसेट द पासवर्ड एवरी 90 डेज. फिर दूसरा क्या था, यूजर डिड नॉट चेक बॉक्स टू सेव पासवर्ड. यूजर कीप्स फॉरगेटिंग पासवर्ड. बहुत कॉमन सा इश्यू है ना. बहुत से लोग इतने सारे पासवर्ड है इस वक्त हमारे पास है, एंड यू नो यू कैन नॉट ब्लेम द यूजर फॉर इट. इतनी चीजें हैं और इतने पासवर्ड्स हैं कि कई दफा हम लोग भूल जाते हैं कि हमने कौन सा पासवर्ड किस सिस्टम के लिए यूज किया था. और जो सबसे इनकरेक्ट और सिक्योरिटी वायलेशन वाला जो तरीका, वो ये कि हम जेनेरिकली एक पासवर्ड बना लेते हैं और हर सिस्टम पे वही वाला पासवर्ड यूज कर रहे होते हैं. Big security violation. मगर अभी हम focus कर रहे हैं the issue or the problem of user not getting into the system. अच्छा, दूसरा जो जिस पे हम focus करते हैं, वो हम करते हैं users hardware. वो जो आपने laptop या desktop खोला है, हो सकता है उसमें enough memory नहीं हो, या हो सकता है कि processor is too slow, not enough hard disk storage, है ना. वेरी वो काफी valid से system है. अब इन सब causes में आपके ख्याल में कौन सा कॉज है दैट इज क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ यूजर नॉट गेटिंग इन टू द सिस्टम? हम इसको अभी नहीं कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, मगर दिस इज हाउ यू यूज दिस सिंपल फिशबोन डायग्राम और द इशिकावा डायग्राम. दूसरी जो चीज है वो है स्कैटर डायग्राम. प्लॉटिंग द रिजल्ट ऑफ टू वेरिएबल्स. एक एक्स होता है एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस. मोर वर्टिकल विल बी द वाई एक्सेस, हॉरिजॉन्टल विल बी द एक्स एक्सेस. उसके बीच में लाइन जा रही है, और लाइन जो जा रही है अभी बात भी कर लेते हैं, और उसके आगे पीछे आपके रिजल्ट हैं. दे आर दीज पॉइंट्स और दीज मेजरमेंट्स आर स्कैटर्ड अराउंड द मीन, आगे पीछे. Plotting the result of two variables. It is used to determine the relationship between two or more pieces of corresponding data. The data are plotted on an x and y chart to determine the correlation. XY axis pe chart banana bahut common procedure hai. Most of us with 16 years of education, I'm sure you have been accustomed to it.
किसी डिफरेंट रीजन के लिए शायद आपने यूज किया था, मगर ये बहुत कॉमन टेक्निक है फॉर क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी. ये जो बीच में एक लाइन जा रही है ना, दैट वुड बी योर सेंट्रल टेंडेंसी, एंड ऑल योर पॉइंट्स, ऑल योर मेजरमेंट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट. कोई इधर है, कोई उधर है, मगर इट्स काइंड ऑफ अराउंड इट, और हो सकता है कोई बिल्कुल उसके ऊपर भी हो, सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर. नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू एज अ क्वालिटी कंट्रोल पर्सन? आई नीड टू हाईलाइट माय एक्सेप्शंस, एंड एक्सेप्शंस विल बी आउट ऑफ टॉलरेंस कंडीशन. अगर एक या दो पॉइंट, कोई बहुत ऊपर या कोई बहुत नीचे है, जो भी आपने डिटरमिन किया है कि दीज आर द लेवल्स, अगर आगे पीछे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, मगर ये थोड़ा बहुत क्या थोड़ा बहुत है, दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड, दैट नंबर्स, व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल. अब एक बिल्कुल नीचे चला गया या एक बहुत ऊपर चला गया, दीज विल बी योर आउट ऑफ एक्सेप्शंस, और योर एक्सेप्शंस आउट ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, एंड दीज यूजुअली, this information on this data is usually your source of data for the next thing that we'll talk about, the Pareto chart. Jab bhi hum Pareto chart ki baat karte hain, ye scatter diagram ke jo results hain, bada conveniently hum use kar sakte hain as input or source of data for this Pareto chart. So ye Pareto analysis hota kya hai, Pareto chart kya cheez hoti hai, Pareto diagram, Pareto analysis, and we'll start off with the definition. We'll dedicate few slides to it, so hopefully inshallah ta'ala aapko iske baare mein kafi clearly understand kar lijiyega. But obviously always go back, do some reference material read up, do some searches. Main hamesha aapko batane lag gayi hoon ki hopefully aap second ya third semester mein is waqt hain MSPM ke. It's a graduate level course. Do your research. Go out. Try to find out places where you can get the most information with regards to some of the things that we are talking about in the lecture. So what is a Pareto diagram? It's a histogram. Histogram, simple sa bar chart hota hai, bahut commonly used hota hai. It's a histogram ordered by frequency of occurrence that shows how many results were generated by each identified cause. Kaha to humne bohat simple si baat ki thi, data table ki, checklist table ki, phir humne scatter diagram ki baat ki, ab hum Pareto analysis pe aa gaye hain. Thodi thodi zindagi thodi complicated hoti ja rahi hai. With that, a little bit of complexity and little bit of complication, Pareto diagram, it's a histogram ordered by frequency of occurrence that shows how many results were generated by each identified cause. Pareto ka bhi ek law hai. So what is that law that kind of leads into the creation of a Pareto diagram? The Pareto law is a supposition that states that a relatively small number of causes will typically produce a large or a majority of the problems or defects. जब हम आपको एग्जाम्पल शो करेंगे तो ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द लॉ. इट स्टेट्स दैट रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ कॉजेज विल कॉज लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स. सो जब आप स्मॉल नंबर ऑफ कॉज को फिक्स कर देते हैं या उसको रिजॉल्व कर देते हैं, ऑल ऑफ अ सडन जो टोटल नंबर ऑफ इश्यूज हैं वो सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाते हैं. It is also commonly referred, the Pareto analysis or the Pareto chart or the law is also commonly referred to as the 80-20 principle. 80-20 principle bahut si cheezon mein use hota hai, isme bhi hota hai. In which, what are we trying to say? That 80% of the problems can be attributed to the 20% of the causes. Wo jo humne piche baat ki thi na law mein ki small number of causes are causing big or large majority of issues. So now we are saying that 20% of the causes could be creating 80% of issues. Pareto analysis involves identifying the vital, the important few contributors
that account for the most quality problems in a system. Also called the 80-20 rule, meaning that 80% of problems are often due to 20% of the causes. Kind of repetition of what we talked about in the last lecture or last slide. The Pareto diagrams are histograms. These are little bar charts. उसमें हमने defects को क्या होता है और causes को analyze कर रहे हैं. So Pareto diagrams are histograms or column charts that represent a frequency distribution that help identify and prioritize problem areas. Pareto diagram अभी हम देखते हैं और देखते हैं कि क्यों इसको हम 80-20 rule कहते हैं और इसका क्या फायदा है और किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं. अच्छा, ये पेरेटो डायग्राम बड़ा सिंपल सी एक चीज है. इसका प्राइमरी पर्पस जो है, द प्राइमरी पर्पस, द रीजन फॉर व्हाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इट्स टू फोकस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेस कुड बी वेरी फ्यू बट दे आर कॉजिंग मेजर इश्यूज. जब आप नई गाड़ी लेते हैं और आप चाबी डाल के उसको चला के अपने शोरूम से घर लेके जाना चाहते हैं, नई गाड़ी हो, रिकंडीशन गाड़ी है, जो भी आपने एक नई गाड़ी खरीदी है, इट कुड बी अ रिकंडीशन और एन ओल्ड यूज्ड कार, वट एवर. अब आपने गाड़ी की चाबी डाली और आप उसको अपने डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक ले जाना चाह रहे हैं. जो इश्यूज आप फेस करेंगे, सबसे जो ज्यादा है, दैट इज द नॉइज इश्यू. कहीं से कोई हल्की हल्की आवाज आ रही है, लग रहा है कहीं से स्क्रू ढीला है, या इंजन से कोई यू नो ट्रबलिंग सी आवाज आ रही है हल्की सी. फर्स्ट यू अज्यूम दैट इट इज नथिंग, मगर आप जब 12 माइल या 15 माइल या 20 माइल चला रहे हैं तो आपको ऑल एंड यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन दैट नॉइज. द नॉइज इज अ बिग इश्यू. वॉबल भी हो सकता है, प्रेशर इश्यूज भी हो सकते हैं और अदर्स भी हो सकते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ कॉजेस. अब इतने सारे हमारे पास इश्यूज हैं, अगर हम नॉइस का इश्यू जाते हैं, हम वापस लेके जाते हैं मैकेनिक के पास या शोरूम के पास और वो देखता है और वो कहते हैं, अरे जब हमने इस गाड़ी को रिकंडीशन किया था या धोया था या जो भी किया था, तो ये जो छोटा सा स्क्रू था वो निकल गया था. आई एम गोइंग टू टाइटन दिस. अब जब उसने टाइटन कर दिया तो ऑल ऑफ अ सडन ये जो नॉइस का हो सकता है कि ये छोटा सा कॉज जो था बहुत सारे इश्यूज को क्रिएट कर रहा था. वो ढीला भी था, वो डोर भी नहीं सही से बंद हो रहा था, एंड यू वर गेटिंग अ लिटिल अनॉयड बाय दैट न्यूसेंस. अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर रिजल्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ कॉजेस. फिक्स द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फर्स्ट. अच्छा, डज नॉट अकाउंट फॉर सिवियरिटी ऑफ द डिफेक्ट्स, इसकी बात अभी हम करते हैं. जब आपने वो स्क्रू टाइट कर दिया तो ऑल ऑफ अ सडन जो 15 इश्यूज थे ना, वो नीचे हो जाते हैं. हो सकता है कि 5 हो जाए या हो सकता है वो 0 हो जाए. ये एक बहुत छोटा सा कॉज था दैट वॉज कॉजिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. सो नंबर ऑफ इश्यूज तो आपने रिजॉल्व कर दिए, मगर इट डजंट टॉक अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द डिफेक्ट. जब आपकी ये न्यूसेंस साउंड या एस्थेटिक या एर्गोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, ये वाले इश्यूज जब हमने रिजॉल्व कर लिए, अब हमको लगा कि देर आर सम अदर इश्यूज. जब हम इसको 80 से 90 किलोमीटर पे ले जाते हैं गाड़ी को, तो द कार स्टार्ट्स वॉबलिंग. वेल, द नॉइज वॉज डेफिनेटली कॉजिंग द मोस्ट इश्यूज, बट द सिवियरिटी ऑफ द इश्यू, सिवियरिटी इश्यू वॉज दिस वॉबल. दिस इज अ बिगर इश्यू. यू नो, अगर हम 90 से 100 ले जाते हैं, अगर हम मोटरवे पे ये गाड़ी चलाते हैं, तो दिस कुड बी अ मेजर प्रॉब्लम. डज नॉट अकाउंट फॉर सिवियरिटी ऑफ द डिफेक्ट्स. उसको स्क्रू को टाइट करने से आपने नंबर ऑफ इश्यूज तो नीचे ले गए, मगर ये नहीं जरूरी है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट या सिवियर इश्यू है उसको हमने रिजॉल्व किया है.
मगर जब एक इशू रिजॉल्व हो जाता है या काफी इशूज रिजॉल्व हो जाते हैं, फिर यू कैन फोकस योर अटेंशन ऑन अदर थिंग्स दैट कुड बी मेजर डिफेक्ट्स. पेरेटो डायग्राम इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. ऑब्वियसली फिक्सिंग द इशूज, फिक्सिंग द कॉजेज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इन द प्रोसेस और द प्रोजेक्ट, और इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हु इज डिसाइफरिंग दिस पेरेटो डायग्राम. अब हम सैंपल पेरेटो डायग्राम एक और देख लेते हैं. अगर कॉल सेंटर की बात करते हैं और आईटी का एग्जांपल लेते हैं, तो थिंक अबाउट द इश्यूज. अब ये थिंक अबाउट कि आप एक हेल्प डेस्क पे, यू आर इन अ कॉल सेंटर एंड यू आर लॉगिंग इन द नंबर ऑफ कॉल्स दैट यू आर रिसीविंग फॉर डिफरेंट इश्यूज. जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, ये ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल है आईटी वर्ल्ड का, ठीक है. आपने वो डेल का डेस्कटॉप खोला या डेल का लैपटॉप खोला एंड आपके साथ साथ 6000 और लोग हैं जिन्होंने ये डेल का डेस्कटॉप या लैपटॉप परचेस किया है. सो द फर्स्ट थिंग, द यूजुअल कॉल्स आर द लॉग इन प्रॉब्लम्स. नंबर ऑफ कंप्लेन्स दिस वीक और एनी पर्टिकुलर वीक, ऑलमोस्ट 100 कॉल्स वर रिसीव बिकॉज ऑफ लॉग इन प्रॉब्लम्स. फिर दूसरा जो बड़ा इशू था या ग्रुप ऑफ इशूज था, वो था सिस्टम लॉकिंग अप. Subsequently, system was too slow. ये भी एक issue था. System is too hard to use. कई लोगों को जब उन्होंने शुरू किया, उनको issues आए कि self-explanatory नहीं है, बहुत से issues आ रहे हैं. System is just too hard to use. जो उन्होंने किताब साथ में दी थी, end user guide थी, वो user's manual था. That was again too hard for me to understand. फिर जो smallest category of issues था, reports are inaccurate. हमने एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा डाला एंड वी ट्राइड टू यूज एंड रन अ रिपोर्ट, मगर जो रिपोर्ट में जो डेटा था, बेस्ड ऑन व्हाट माय इनपुट्स वर, दे सीम्ड इनएक्यूरेट. हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो. अभी हम लोग, वी आर नॉट ट्राइंग टू एनालाइज दीज कॉल्स, बट वी आर फोकसिंग ऑन हाउ पेरेटो डायग्राम्स आर यूज इन अ कॉल सेंटर. अब अगर हम देखें तो कॉल सेंटर को, कॉल सेंटर जवाबदेह होता है एट द एंड ऑफ द डे ऑफ हाउ मेनी इश्यूज डिड यू रिजॉल्व. सो जो फर्स्ट लेवल सपोर्ट होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि जो सबसे मेजर इश्यूज हैं, हम उसको कर दें फिक्स. तो उन्होंने लॉग इन प्रॉब्लम्स, हैड बिकम एक्सपीरियंस्ड इनफ, उन्होंने फोन कॉल्स पे लॉग इन प्रॉब्लम के जितने भी इश्यूज थे, उन्होंने कहा कि डिड यू सेट योर पासवर्ड, डिड यू मेक श्योर दैट योर कैप्स लॉक वॉज नॉट ऑन, डिड यू मेक श्योर के आपने अल्फा न्यूमेरिक यूज किया हो, जो भी उनके इश्यूज हों, लॉग इन प्रॉब्लम्स के उन्होंने रिजॉल्व कर दिए. एट द एंड ऑफ द डे दे विल से कि वी रिजॉल्व 100 इश्यूज. अगर सिर्फ वो ट्रेनिंग अपने कॉल सेंटर फर्स्ट लेवल हेल्प सपोर्ट की करते हैं एंड फोकस देयर अटेंशन ऑन लॉग इन इश्यूज, उनके पास सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दे टेक द कॉलर थ्रू ऑल दिस एंड दे कैन एक्चुअली रिजॉल्व ऑल द लॉग इन प्रॉब्लम्स. सो ऑन अ टिपिकल डे, जस्ट बाय फोकसिंग देयर अटेंशन ऑन वन सब्जेक्ट, दे कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ इश्यूज सब्सटैंशियली एंड दे कैन ऑल्सो लुक गुड एट द एंड ऑफ द डे. अब सिस्टम लॉकअप या रिपोर्ट बींग टू एक्यूरेट और रिपोर्ट बींग इनएक्यूरेट, ये तो एक कोई, यू नो, यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड, यू हैव टू लुक एट व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज गेटिंग फेड इनटू द रिपोर्ट. ए, दिस विल टेक टाइम एंड दिस इज नॉट यूजुअली व्हाट द फर्स्ट लेवल हेल्प डेस्क सपोर्ट डज. यूजुअली वी हैव टू कॉल द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एंड उनको, यूजर को कहेंगे कि आपको हम 5 या 6 दिन में, वील गेट बैक विथ यू, गिव अस द डेटा दैट यू वर ट्राइंग टू फीड इन टू द रिपोर्ट. फिर ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाता है, वो सॉफ्टवेयर खोलता है, रिपोर्टिंग के प्रोग्रामिंग को देखता है एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो सिवियरिटी ऑफ द इशू इज मेजर इशू विद इन द रिपोर्टिंग प्रोग्रामिंग. मगर जो ज्यादा इशूज थे, माइनर इशूज, दैट कैन गेट रिजॉल्व बाय फोकसिंग योर अटेंशन ऑन सिंपल rules and regulations of login problems. Bahut simple sa hai. Rank defects
in order of frequency of occurrence to depict 100% of the defects. तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं वो obviously that's the cumulative range of it. और बड़ा simple सा एक diagram है, Pareto diagram, hopefully you understand it. So now let's move on to the next group of quality control technique. अच्छा इस ये जो है वो हम लोग use करते हैं, पहले भी word use हो रहा था acceptance sampling. Yes, prevention is better than inspection. अगर हम do it right the first time करें from process A to process B to C, तो there is a probability कि जो end result आपके पास आता है वो zero defect हो या defect free हो या कम से कम minimized defects हो. एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब हमारा end product आ जाए तो हम फिर उसको एक तरह से inspection के लिए उठाएं. 100 चीजें हैं उनमें से depending on what your trying to inspect. अगर pants हैं तो आपने 100 के batch में से 5 उठा ली to test on different categories. मगर अगर ये let's say कोई defence का product है, defence industry का कोई product है, maybe you will do 100% inspection because it's obviously high priced and high precision and high accuracy product. जिस तरह से हम बात करते हैं सुजुकी मेहरान और BMW या Mercedes का कोई high end product होता है, obviously based on the customer needs and the demand and the amount of money that they are ready to put in. सुजुकी मेहरान में 100% inspection नहीं हो सकती, we all have to realize that. मगर Mercedes का जो high end product है या Ferrari की बात करें, usually that is a 100% inspected project. So with that in your headset, let's look at what we have for acceptance sampling. Used when expensive and time consuming to test 100%. अगर आप 100% testing नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक customer के साथ कोई understanding रख लें कि this is the amount I am going to sample, 5%, 10%, 20%, and that should be good enough. Random sampling may be used to check the characteristics and attributes of a given lot of goods. Random sampling. Thousands may say hum randomly select kar lete hain. 100, 50, whatever the number is, whatever the percentage that was agreed upon with the customer. So random samplings may be used to check the characteristics and the attributes of a given lot of goods. And these, when we talk about goods, we are talking about the products or the end results. Determines whether or not the lot conforms to the specification or standards necessary to support the overall project requirements. Based on the results of that sampling, you are going to go back and confirm ke ye sara lot acceptable hai ya nahi hai. Agar aapne 20 sampling li aur usme se 5 were no good, ho sakta hai ki you still consider ke 5% defect is agreed upon and I'll let the whole sample move ahead. It all depends on what is the product and what kind of customer requirements are out there for you as project manager or the quality manager or the quality assurance person. Inspection and test standards must be established to ensure that the procedures are adequate to determine whether a lot is conforming or non-conforming to the specifications. यही वाली जो बात मैंने अभी की है कि कस्टमर आपको डिटरमिन करके दे रहा है कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल. क्वालिटी अश्योरेंस टीम या एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं वो अलोंग विद द कस्टमर एंड स्पॉन्सर्स विल डिटरमिन कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है. एंड ऑल दिस शुड बी रिटन डाउन प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ऑल दिस शुड बी अग्रीड अपॉन, दैट शुड नॉट बी टूवर्ड्स द एंड. Important to select a sample size that will provide sufficient information about the larger lot of good
without costing a great deal of money, without costing a great deal of money. So depending on what you're trying to select, uska sample size kitna hota hai. 100% inspection is always too costly and is not effective. Magar ho sakta hai, depending on the needs of the customer, 50% is what is required. That's still a very high number. Usually 10 to 15% is good enough. Or 10 to 15% mein agar 1%, 10 mein se ek agar defective hai, ho sakta hai ki ye bhi customer kahe ki no, it's okay, we are going to take our chances. Must determine in advance the number of allowable defects before the lot is rejected. Must determine in advance. Yaad rakhe, project ke hote hue ye cheezein determine karna bahut mushkil aur bahut risky hai for the project manager. Agar aapne ye determination pehle se nahi ki hai, this is not agreed upon by the customer, then what if you get into a situation where the customer all of a sudden is going to start demanding that the 100% inspection is required? And yes, if you even have one defect out of the 50%, then I will reject the whole lot. Ye to bahut tricky situation ho sakti hai, because even though Dr. Crosby believed in zero defects, magar zero defect processes ko ya products market mein le jana bhi ek bahut bada hassle aur time consuming aur cost consuming effort hai. So all this need to be determined upfront during the planning phase. Aur jab hum quality assurance document ki baat karenge, to it should be part of your quality assurance document that what is the customer's need and requirement. Acceptance sampling ke baad baat karte hain statistical sampling ki. Statistical sampling involves choosing part of a population of interest for inspection. Ab hum kis group ko lete hain, kahan se kitni sample lete hain, theek hai? The size of a sample depends on how representative you want the sample to be. 5%, 10%, 50%. Aur very unfortunate agar aap is category mein aa jaye jahan aapko 100% sampling ki zarurat ho, to wo ek bahut mushkil marhala ho jayega. But believe me, there are situations where you will be expected 100% sampling, or based on the previous work, based on the relationship that you have with the customer, and based on the comfort level of the customer, ho sakta hai they can put you into a situation where you will be required to do 100% inspection. Be sure to consult with an expert. Jisko hum bol rahe the, subject matter expert. Be sure to consult with an expert when using statistical analysis. Ab ek simple sa example dete hain, hopefully aapke dimag mein ye jo cheeze hain wo aur clarify ho jayengi. Now your quality assurance team randomly selects 8 drawings from 80 engineering diagrams or drawings generated during the planning and design phase for inspection. Ab 80 engineering diagrams se ya pictures se humne 8 nikali hai, 10%. Reasonable lot hai, hai na? This is called statistical sampling ya acceptance sampling. It's agreed upon agar usme thoda bahut bhi defect hua, 1% defect hua, yani ke kayo mein kuch simple defects hue, to customer ने पहले से कहा हुआ है कि दिस इज ओके फॉर अस टू मूव ऑन. इफ दे एक्सपेक्ट कि आउट ऑफ द 10% ईच वन ऑफ देम इज शुड बी 100% एक्यूरेट, देन यू कैन बी इन एन अनफॉर्चुनेट पोजिशन वेयर आउट ऑफ दोज 8 दैट वन पिक्चर और वन डायग्राम वन ड्रॉइंग विल नॉट मीट द कस्टमर स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट. देन व्हाट हैपेंस? All of a sudden the customer will come back and they will reject it all. Hence the importance to identify the acceptance criteria in the planning phase prior to getting into the execution or the implementation phase of the project. This exercise of random selection is called statistical sampling.
स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग पे हम लोग थोड़ा सा और फोकस कर लेते हैं. एक तो हो गया प्रिवेंशन, कीपिंग एरर्स आउट ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन कीपिंग योर डिफेक्ट्स फ्रॉम रीचिंग द कस्टमर्स. तो दो चीजें हैं, वी आर इन द फेज ऑफ प्रिवेंशन. वी आर ट्राइंग टू इंश्योर एंड रिजॉल्व ऑल आर इश्यूज प्रायर टू द प्रोडक्शन लाइन. या ये कि हम चाह रहे हैं कि कस्टमर के हाथ में जो प्रोडक्ट आए वो 100% एक्यूरेट, 100% गुड एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट हो. दूसरी जिसकी हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं एट्रीब्यूट सैम्पलिंग की. दिस काइंड ऑफ फॉल्स इनटू द कन्फॉर्मेंस और नॉन कन्फॉर्मेंस एरिया. कस्टमर क्या कहता है, इज दिस एक्सेप्टेबल, इज 1% अ गुड नंबर ऑफ रिजेक्ट, दैट्स फाइन. We'll assume that it is. Remember that statistical sampling में एक point जो कहीं बाहर चला गया, well that's an unfortunate point. So conformance or non-conformance को भी हम plan कर लें और negotiate कर लें customer के साथ, whether what is acceptable and what is not acceptable. फिर within the statistical sampling we'd also talk about the common versus the special causes. कॉमन प्रोसेस क्या होते हैं या वेरिएशन क्या होते हैं? नॉर्मल प्रोसेस वायलेशन हो सकती है, कोई एक स्पेशल कॉज हो सकता है, कोई स्किल सेट हो सकता है, कोई वन पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है दैट इज कॉजिंग द इश्यू, और स्पेशल अनयूजुअल इवेंट्स. अच्छा, अगर हम आज उसमें न्यूज़पेपर में देख रहे थे कि कहीं अर्थक्वेक आया, इफ यू आर इन अर्थक्वेक एंड यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी सेंसिटिव मेजरमेंट डेटा, हो सकता है जब आप डेटा ले रहे हो तो ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ लिटिल जोल्ट जो आपको नहीं फील हुआ, मगर बिकॉज ऑफ द कैलिब्रेशन उस वक्त एट दैट पॉइंट इन टाइम एक हल्का सा जोल्ट पड़ा और अब थोड़ा सा एक स्पेशल कॉज या अनयूजुअल इवेंट की वजह से योर पॉइंट इज आउटसाइड द टॉलरेंस लिमिट. ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मगर इस तरह के बहुत से इश्यूज भी हो सकते हैं आपके साथ व्हेन यू आर डूइंग स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन. सो व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर कॉल्ड टॉलरेंसेस? व्हाट एम आई टॉलरेटिंग? इट्स द एक्सेप्टेंस रेंज. व्हाट इज एक्सेप्टेबल वर्सेज व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल? किस क्राइटेरियाज में, किस सिचुएशन में, कितनी बाउंड्रीज में योर प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल or not acceptable. Then we talk about the control limits. If within these boundaries, agar ki point chahe close to the boundary ho, upper ya lower, I will consider that acceptable. And the project manager is only making that decision because along with the customer they have decided upon the control limits in the planning phase prior to the execution or the implementation phase of the project. So ye jo tolerances hote hain, control limits hote hain, all of this is decided in the planning phase. That is why the quality assurance team, the project manager and the customer need to ensure and come up with a common understanding of what would be the process that will be followed by the project control or the quality control team during the monitoring and control phase. So planning or thoda sa boundary into the execution phase, all these issues need to be identified and decided taaki monitoring and control ya unfortunately closure mein aapko ye issues nahi aaye ki customer all of a sudden realizes ke nahi ya kehta hai ki nahi main ye pura lot reject kar do because I don't accept it, right? So these kind of fall into the legal issues also, magar all of it should be decided upfront. Jab aap educated project managers hain, educated professionals hain, so you need to understand the importance of planning things right to ensure no issue or minimal issues in the execution and the implementation phase, and better still in that phase rather than the closure phase of the project. So what are the quality control charts? हमने बात कर ली स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग की,
इंस्पेक्शंस की, प्रिवेंशंस की, कंट्रोल लिमिट्स की. अब हम फोकस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स पे. द कंट्रोल चार्ट्स आर अ ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ द रिजल्ट्स ओवर टाइम एंड अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल लिमिट्स ऑफ ए प्रोसेस. कंट्रोल चार्ट्स आर अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट्स ओवर टाइम. अब हम देखेंगे एक्स एंड वाई की जो शक्ल है या ओवर टाइम हमने इसको किस तरह से मॉनिटर किया है. एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल लिमिट्स, अभी जो बात कर रहे थे इन द प्लानिंग फेज और द स्टार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन फेज, हमने एट दैट पॉइंट इन टाइम कस्टमर से, क्वालिटी अश्योरेंस टीम से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम से, सबने मिलके कंट्रोल लिमिट्स को आइडेंटिफाई किया, डिफाइन किया और डॉक्यूमेंट कर लिया. द चार्ट्स आर यूज्ड टू डिटरमिन इफ द प्रोसेस इज इन कंट्रोल और इज इन नीड ऑफ एडजस्टमेंट. ए कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा दैट इलस्ट्रेट्स द रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोसेस ओवर टाइम. द मेन यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट्स इज टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स रादर देन टू डिटेक्ट और रिजेक्ट देम. बहुत अच्छा से दो वर्ड यूज हुए. वी आर ट्राइंग टू इवेंचुअली गिव द कस्टमर अ जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट एंड विद इन दैट हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को हर्ट करना चाह रहे हैं या क्वालिटी अश्योरेंस टीम इज अगेंस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और द कस्टमर इज आउट देयर टू किल द सिस्टम और किल द प्रोसेस और किल द प्रोजेक्ट इटसेल्फ. That should not be the purpose of all this quality control. The purpose is, and the purpose for all three groups or more should be to produce a zero defect product. So the main use of control chart is to prevent defects rather than to detect or reject them. Quality control charts allow you to determine whether a process is in control or is out of control. When a process is in control, any variations in the results of the process are created by random events. Jab control mein hai aur koi bhi variation ek do aa rahi hai to koi unusual event jiski humne piche baat ki thi can cause one of the systems to be out of control. Processes that are in control do not need to be adjusted. अगर एक या दो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एंड दैट इज अग्रीड अपॉन बाय द कस्टमर, देन यू कैन अज्यूम दैट दैट्स अ स्पेशल कॉज एंड वी विल स्टिल टेक दिस प्रोसेस एंड अप्रूव इट. व्हेन अ प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ डेटा ऑल स्प्रेड ऑल अक्रॉस, ज्यादातर आर आउटसाइड दैट टॉलरेंस लेवल और टॉलरेंस लिमिट्स. These are showing you that the process is out of control. Variations in the results of the process are caused by non-random events. It's not caused by unusual occurring ya koi unusual event, once in a blue moon kind of a thing. Sab sahi ja raha hai, ek point kahin chala gaya ya ek dafa koi issue ho gaya. That's not out of control. Out of control का मतलब है कि ज्यादातर जो results हैं, they are outside the tolerant level. You need to identify the causes of those non-random events and adjust the process to correct or eliminate them. So you need to identify these causes of non-random events and adjust the process to correct or eliminate them. This is what a control chart looks like. अब चार चीजें हैं इसमें. सबसे पहले तो मीन हो गया जो सेंटर में आपने डाला हुआ है. उसके ऊपर जो दो चीजें हैं वो है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट. ये हो सकता है कस्टमर डिफाइंड हो या हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ने खुद अपने लिए या क्वालिटी अश्योरेंस टीम ने अलॉन्ग विद डिस्कशंस डिफाइन कर दिया है. The upper specification limit and lower specification limit are those absolute guidelines जिसके आगे या नीचे वो नहीं जा सकते हैं numbers. Process results over time,
process is in control when the number of defects fall within the upper and lower control limit. Process adjustments are immediate corrective action based on the quality control measure. Process can be improved to meet tighter control limit. We are not talking about specification limit, we are talking about the upper and the lower control limit. Processes can be improved to meet tighter control limits. Process in control should not be adjusted. Think of a furniture manufacturing assembly line, and you're looking at the process that produces the legs of a table. Half an inch, or jo total uska length hai, that is supposed to be 2.5 inches. 2.5 inches uski requirement hai. जो कंट्रोल लिमिट होगा वो हो सकता है कि कुछ मिलीमीटर में हो, 2.45 या 2.459 या 2. जो भी है आपकी कंट्रोल लिमिट्स हैं. अगर तब तक बन जाता है तो ठीक है, 2.5 से या 2.49 विल बी योर अपर एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट. उसके नीचे जो भी आपने कंट्रोल लिमिट बना दी, द आइडिया इज that you, it cannot fall outside of the upper and the lower specification limit. However, upper and lower control limits can be adjusted and can easily be tuned. The quality control charts and the 7-run rule. Iske liye I would suggest ke thodi si time limitation hoti hai hamare paas jab hum lecture de rahe hote hain. Go back and do a little read up on this. Theek hai, I have some more to cover, magar for the 7-run rule, please go back and do a little bit more read up from the reference material. What does the 7-run rule state? It states that if 7 data points are all below the mean or above the mean, wo jo center line thi na, uske saath upar ja rahe hain ya niche ja rahe hain, or they're all increasing or decreasing, then you know that the process needs to be examined for non-random problem. अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि 7 पॉइंट ऑफ मेजरमेंट्स या तो मीन के ऊपर है या मीन के नीचे है, या आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, देन दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय नॉन रैंडम इवेंट्स. यू कैन यूज द क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स एंड द 7-run रूल टू लुक फॉर पैटर्न्स इन द डेटा. ए कंट्रोल चार्ट इज हेल्पिंग यू प्रिवेंट डिफेक्ट्स and allowing you to determine whether a process is in control or out of control. जो पिछले स्लाइड पे बात की थी, हाईलाइट कर लें, in control process और out of control process. अब इस पे हम देखते हैं कि ये क्या है. जो 12.0 है ये मीन है आपका, ठीक है. योर अपर कंट्रोल लिमिट इज 12.09 and your upper specification limit is 12.10. based on the example that I was talking about, upper control limit or upper specification limit ko dekhte hain. Uske niche jab hum dekhte hain to ab we are talking about two things. The lower control limit is 11.91 and your lower specification limit is 11.90. अगर तो कोई पॉइंट आपके स्पेसिफिकेशन लिमिट से ऊपर या नीचे चला जाता है, ठीक है, दैट इज रिजेक्ट. मगर उसके बीच में हम देखते हैं वेदर द प्रोसेस इज इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल. ये सारे हमने रैंडम पॉइंट्स, मेजरमेंट पॉइंट्स ले लिए अपने चार्ट पे. अच्छा, एक चीज है जो देख रहे हो आप, एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है. लेट्स लुक एट व्हाई इट इज वायलेशन ऑफ 7-run रूल. Starting from that 12.02 पे जो measurement है, count करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी continuously आप देख रहे हैं कि they are below the mean. 12.02 तक तो ठीक जा रहा था ऊपर, अब जब ये नीचे आया है 11.98 time
मेजरमेंट पे, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे है, नीचे जा रहा है और इट इज बिलो द मीन. फिर एक और जब हम देखते हैं, एक और रन रूल, वायलेशन ऑफ रन रूल है, वो भी आप देख लें. नीचे से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वहां से कंटिन्यूसली ये इट्स डिक्रीजिंग. दिस इज द 7 रन रूल एंड इट इज वायलेशन ऑफ योर स्पेसिफाइड कंट्रोल्स. सो व्हाट आर दीज आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट? Visual patterns indicating out of control state or condition that requires attention. अब as project managers या as quality managers या quality assurers हमको क्या करना है? We have to see what is going on. एक तो वह बात हो गई ना कि outlier, कोई randomly कोई बहुत ऊपर चला गया, नीचे चला गया, हो सकता है कोई some unusual event caused it. It's a sample point outside the control limits. It's also referred to as out of control. जैसे नाम है वैसे ही काम है, और ये एक रैंडम इवेंट है, कोई रैंडम सिचुएशन है जो कॉज कर सकती है उस पॉइंट को ऊपर नीचे या कहीं आउटसाइड ऑफ द लिमिट में जाने की. दूसरा जो वर्ड हम यूज करते हैं, इट्स अ हगिंग कंट्रोल लिमिट. इट्स अ सीरीज रन ऑफ पॉइंट्स दैट आर क्लोज टू द कंट्रोल लिमिट. ऊपर अपर या लोअर कंट्रोल लिमिट पे दैट वी फॉलिंग रियली क्लोज टू इट. Now, what do you think needs to be done? It's just bordering the upper or the lower control limit. Obviously, we need to fix it. Because agar hum usko fix nahi karte hain, to wo, it's in a comfortable state ke over time, it can actually go out of the upper or the lower control limit. Rule of thumb, considered abnormal if 2 of 3, 3 of 7, or 4 of 10 data points fall within the outer 1/3 of the chart. This is more of theoretical kind of depiction, magar ye jo rule of thumb hai, that should also be agreed upon by the customer, jiski humne baat ki thi, in the planning phase of the project. But this hugging control limit requires correction to prevent data from going outside the control limit. Just because it's so close to that limit line, that now I know as project manager or as quality assurer or quality manager that something needs to be improved or tuned. जो तीसरा word है जो इधर हम बहुत commonly use करते हैं quality control measures में, वो है cycle. It's a repeating pattern of points. और वो भी कोई ना कोई issue को indicate या identify कर रहा होता है आपके लिए. Eventually, remember, ये हम reject करने के लिए नहीं कर रहे होते हैं, ये जो सारे measures हैं, we are trying to improve the process so that the customer gets an end product which is supposedly zero defects. Then the out of control states. These are the visual patterns indicating out of control state or a condition that requires attention. जैसे हमने पहले बात की थी outliers की, उसी तरह से इसको भी हम बात करते हैं. And these are the trends. It's a series of consecutive points which reflect a steadily increasing or decreasing pattern. Ya to upar ja rahe hain ya niche ja rahe hain, just jo bhi pattern hai, it's actually should raise your antenna, or you should go and look at what is going on. What's the rule of thumb in it? Something that can be decided between you, the quality assurance team, and the customer. Considered abnormal when 7 or more consecutive data points reflect a steadily increasing or decreasing pattern. And what's the run? The run is a series of 7 or more consecutive points or observations that fall on the same side of the average. Yaad kare na, jo humne 7 run rule ki ko dikhaya tha, identify kiya tha pichle slide mein, ke ya to mean ke upar ja rahe the sare ya mean ke niche ja rahe the. Considered abnormal if 7 consecutive points, 10 of 11 or 12 of 14 data points are above or below the process average. 4 of 11, 10 of 11 ya 4 of 14, jo bhi hum ye numbers ki baat kar rahe hain, these are the agreed upon data between
the three parties that are very, very actively involved in producing and giving out a defect-free product to the customer. And who are these three parties? It's the customer, it's the project manager, and the quality assurers. Quality testing in IT world feels something that I am very comfortable with. Aur ho sakta hai ki aap jo sunne wale hain, if you're working or plan to work in the IT organization, ya aapka koi computer science ka ya computer engineering ka background hai, to you know this will be very close to what we see. Many IT professionals think of testing as a stage that comes near the end of the IT product development. हम सोचते हैं कि हम सारा काम कर लेंगे जब हम एंड यूजर या एंड में आके अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे या कस्टमर के साथ शेयर करेंगे तब हम टेस्टिंग को यूज करेंगे कोई टेस्ट केसेस को डालेंगे ऑब्वियसली अ नो नो बिकॉज एज ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हमने अब तक क्या सीखा है हमने ये सीखा है कि हम शुरू के प्रोसेस से ही प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि एंड प्रोडक्ट या एंड रिजल्ट जो होता है There is a greater probability of it being zero defect or error free. So, ये जो है ये hypothesis है जिसको हमने eliminate करना है. Testing should be done during almost every phase of the IT product development life cycle. Every phase, every process of the IT product development में we need to ensure that certain criteria are set, established and tested. टेस्टिंग टास्क इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अब देखते हैं हम ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है टेलिंग यू हाउ टू इनिशिएट फिर फीजिबिलिटी ली फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग की इसमें आपने अलग अलग काम किया जब आप डेवलपमेंट मोड में आ गए तो अब ये हम रिमेंबर डेवलपमेंट इज सिनोनिमस टू द एग्जीक्यूशन फेज और क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट्स और क्वालिटी अश्योरेंस का जो प्रोसेस है इट्स विद इन द एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट अब इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं यूनिट डिजाइन यूनिट टेस्ट एंड आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू इन अ मोमेंट इंटीग्रेशन टेस्ट सिस्टम टेस्ट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट और सबसे जो आखिरी होता है ना वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है राइट बिफोर द क्लोजर फेज लाइक इट्स लाइक द एंड यूजर टेस्टिंग दैट टेक्स प्लेस इन द क्लोजर फेज ऑफ द प्रोजेक्ट और इसके बारे में मैं इतना कंफर्टेबली इसलिए आपको बता रही हूं इसलिए कि आई हैव बीन देयर डन दैट सेवरल टाइम्स यूनिट टेस्ट क्या होता है लेट्स अज्यूम कि आपने एक सॉफ्टवेयर या वेब पेज बनाना है वेब पेज में आपका काम एक पर्टिकुलर फील्ड को डिजाइन करना है या एक पर्टिकुलर फील्ड को प्रोग्राम करना है यूनिट टेस्ट द फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर डेवलपिंग समथिंग बाय योरसेल्फ और अलोंग विथ योर मे बी वन और टू पर्सन टीम या यूजुअली जो यूनिट टेस्ट होता है यूनिट वर्ड होता है वो वन प्रोग्रामर प्रोग्रामर जो भी अपना काम करता है ना वो अपनी तरफ से इंश्योर करता है कि द यूनिट और द डेवलप्ड एस्पेक्ट डज एवरीथिंग दैट इट वाज डिजाइंड टू डू सो दैट मींस कि जो मैंने डिजाइन किया है दैट इज एरर फ्री अब जब हम अगली दफा जाते हैं तो अब इस सेगमेंट को वी हैव टू मेक इट अलोंग विथ अदर लेट्स से कि ये डेटा एंट्री का कोई है अब हमने ऑरेकल डेटा से या ऑरेकल डेटाबेस से या एक्सेल डेटाबेस से या एक्सेस से कोई मटेरियल लेना है डेटा लेना है एंड नाउ इट्स गोइंग टू गो इनटू दिस यूनिट टेस्टिंग साइकिल ये क्या हो गया नाउ यू आर टेकिंग द डेटाबेस एंड यू आर लुकिंग एट योर डिजाइंड यूनिट व्हाट इज दिस दिस इज द इंटीग्रेशन टेस्ट द सिस्टम टेस्ट विल फॉलो व्हेन यू लुक एट द होल कंप्लीट वेब पेज And you look at all the integration of what's coming in. Aapke user ne data enter kiya. It goes into the database. You do some kind of verification. Comes back to it. Jo bhi kaam ho raha hai, that is your integration test. Your web page works very well. It's a cohesive unit. And everything is working along
साइड लुकिंग गुड वर्किंग वेल, ये सारा काम इंटीग्रेशन टेस्ट में सिस्टम टेस्ट में हो गया. और उसके बाद जो लास्ट टेस्ट में यूजर कम्स इन पुट्स इन द डेटा एवरीथिंग लुक्स गुड एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड. इवन इन आईटी सिस्टम वर्ल्ड देयर इज यूनिट टेस्ट सिस्टम टेस्ट इंटीग्रेशन टेस्ट एंड देन द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट. यूनिट टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्ट की हमने बात कर ली, सिस्टम टेस्ट की बात कर ली और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की भी हमने बात कर ली. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट इन द आईटी वर्ल्ड. और ये सारे टेस्ट होते हैं क्वालिटी अश्योरेंस वाले पहले से आइडेंटिफाई करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले टेस्ट केसेस को पहले से डिफाइन करते हैं, टेस्ट डेटा हमारे पास होता है और हर फेज पे ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज वी आर एक्चुअली रनिंग दीज टेस्ट लुकिंग एट एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस और सारा जो प्रोसेस अभी हमने बात की है उन सबको फॉलो किया जाता है. दिस इज द गैंट चार्ट फॉर बिल्डिंग टेस्टिंग इनटू अ सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान. ये बड़ा सिंपल है, जिसका हमने अभी फ्लो चार्ट दिखाया था, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था, उसी को अपने WBS में माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं या जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें अप्रोप्रिएट स्टेप्स पे हम डाल देते हैं, इसके लिए टाइम डेडिकेट कर देते हैं, इसके लिए रिसोर्सेज डेडिकेट कर देते हैं, ताकि ये एक बड़ा एक कोहिसिव सा टेस्टिंग सिस्टम आ जाए दैट इज बिल्ट इनटू योर WBS. बट टेस्टिंग अलोन इज नॉट इनफ. इतनी सारी हमने बात की क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स की, मगर आखिर स्लाइड जो है वो टॉक्स अबाउट टेस्टिंग इज नॉट इनफ. वॉट एस हम्फ्री, a renowned expert on software quality, defines a software defect as anything that must be changed before delivery of the program. Testing does not sufficiently prevent software defects because the number of ways to test a complex system is huge. Humne kya data use kiya, humne to bahut reliable data use kiya tha, we tried to ensure ki hamara test pass ho jaye. Well, that is also could be a big cause of system failing when the end user starts testing it. Users will continue to invent new ways to use a system that its developers never considered. इसी तरह जो hackers की हम बात करते हैं और जो users होते हैं, they will always continue to use the system in an unimaginable ways. And coming out from the IT world, I can tell you with a big deal of reliability ki users will always come up with ways that you never thought that they will use it. Sometime they will put numbers in their password. Ye to bahut simple sa example hai, even though we keep telling them to use alphanumeric. Kai dafa they will use ### as their own password. Well, you would assume ke who will use that? Who will put that as a password? People will. Sometimes users will leave the space. They'll just do space, 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 space. Well, as programmers, we never thought that that would be possible, but it is possible. It is. It has been done, and it has been done several times. Humphrey suggests that people rethink the software development process to provide no potential defects when you enter system testing. He is also thinking of zero defects. Developers must be responsible for providing error-free code at each stage of testing. Something that a lot of people believe is doable is very hard to do, but again, it's not impossible. With that, I would like to say Allah Hafiz to you. And I will see you with lecture number 11, inshallah ta'ala. Thoda sa complicated hai, the concept, especially if you have not worked with the quality control techniques. But continue to work on it. Zyada manufacturing mein use hota hai. Humne IT mein bhi aapko bahut se related examples diye hai. So it is being used in organization and industries. I'm sure, inshallah, when you go out as experienced and professional project managers, aapko bhi इस ये सिचुएशंस को डील करने का मौका मिलेगा एंड इवेंचुअली इंशाल्लाह यू विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल गाइस और द क्वालिटी अश्योरर्स और द क्वालिटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स. विद दैट अल्लाह हाफिज एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक.